मोहतरमा, आप हमसे मुखातिब हों तो बेहतर होगा। माफ कीजिएगा अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा तो। अंसारी साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सिर्फ कार्ड्स बांट चुके हैं इसकी वजह से नुसरत और बाबर का निकाह हो जाए तो क्या ये दोनों खुश रह पाएंगे? ना नुसरत खुश रह पाएगी और ना ही आपका भाई खुश रह पाएंगे। दोनों ना खुश रहेंगे इस निकाह से। आप कानून की हिफाजत करने वाले, अब आप ही बताइए, जिस जमीन पर हीर राजा मिर्जा साहिबा जैसे मोहब्बत करने वाले हुए हों, जमीन पर मोहब्बत करना क्या गुनाह है? भाई जान, ये है कौन मोहतरमा जो आपको इल्म दे रही है? क्या हक है इनका जाति मामले में बोलने का? विदा के हर लफ्ज पर गौर देने की जरूरत है मियां। नुसरत ने कोई कुफ्र नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए बेहतर यही होगा बाबर मियां कि अब आप हमारी बहन के बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे। अंसारी साहब, हम शर्मिंदा हैं और इस शर्मिंदगी के साथ हम आपसे और आपके तमाम रिश्तेदारों से माफी मांगते हैं। अंसारी साहब, हम आप सबसे मुआफी की दरखास्त करते हैं। इस बच्चे ने आज हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया। वालिद हूं मैं इसका। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की परवरिश करना, उन्हें तालीम देना ही नहीं है, बल्कि उनके जज्बात की कद्र करना भी हमारा फर्ज है। अंसारी साहब, अगर मेरी बेटी गुनहगार है और आप इसे सजा देते हैं तो हमें मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बेटी की वजह से शर्मिंदा नहीं हूं। बेटी, नहीं, हमने आपसे कभी कोई कुर्बानी नहीं मांगी। आपकी खुशियां छीन कर हम खुश रह सकते हैं भला? भाईजान, आप हमें बात करने दें, अपने भाई की बदतमीजी के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। भाई जान, बात पूरी करने दे हमें। नुसरत की आंखों में हमें सच्चाई दिख रही है। बीबी, आपकी जिंदगी का फैसला आपको लेना है। हमारे अब्बू और अम्मी जो कहेंगे हम वही करेंगे। नहीं बेटी, शादी के पीछे एक लफ्ज छुपा होता है, शाद। इसके मायने होते हैं खुशी। अगर तुम शादी कर लेती हो और शाद नहीं हो तो फिर शादी कैसी? मेरे अरमानों को कुचल के अपना घर बसाने चली थी नुसरत, और वो फिदा मुझे मोहब्बत के अफसाने सुना गई। अब नुसरत को मोहब्बत का सबक तो मैं दूंगा, शादी चाहे उसकी हो ना हो, पर सब रात मेरे साथ होगी। तुम्हारे
तुम्हारे सामने दो रास्ते, कल सुबह निकाह पढ़ा लो या फिर आज तुम्हारी पहले सुहागरात होगी और उसके बाद मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगा। अल्लाह के लिए हमें छोड़ दीजिए, इतना जुलुम मत कीजिए हमारे पर। बाबर। हाँ भाईजान। हमारी बात ध्यान से सुनो बाबर, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना बाबर। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। इस औरत ने मेरी हत्या की है, अब ये यहाँ तो हमारी होगी। क्या किसी की भी नहीं है। बाबर इतना चाहते हो उसे तो बताना चाहिए था बाबर, मैं भाई हूं तुम्हारा, मैं निकाह कराऊंगा तुम्हारा नुसरत के साथ। जब तक मैं काजी साहब को लेके वहां ना पहुंचूं, कुछ गलत मत करना बाबर। हाँ ठीक है जी भाईजान। भाईजान काजी साहब को लेकर आ रहे हैं, अब ना कहने की जरूरत नहीं कर सकोगी। रोइए मत, हम जैसा शौहर नसीब से मिलता है। लगता है भाईजान काजी साहब को ले आए। चलिए बाबर, तुम ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा चलिए। बाबर गोली चला रही है ना, मुझ पे चला। मेरे रास्ते से हट जाइए भाईजान, आपने भी हमें धोखा दिया। आज हम इस औरत की जान लेकर ही रहेंगे, कानून को अपने हाथ में मत लो बाबर। कानून जाए बाहर में, वरना तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा मुझे। छोड़ो बाबर, छोड़ो। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई के अंदर ऐसा वैश्य जानवर छुपा हुआ है। नालायक, अपने भाई की इस गुस्ताखी के लिए मैं आपसे माफी मांगू। मेरा भाई है, नयकार है, सजा तो हम इसे दिला के रहे। चलो बताता हूं तुम्हें। भाईजान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो।